8 इनक्रेडिबल फैक्ट्स अबाउट द रिचेस्ट क्राउन प्रिंस ऑफ मोरक्को। मराकश के वली अहद शहजादा मोले हसन के 8 नाकाबले यकीन हकाइक। दोस्तों, जहां आज के टीनेजर्स टिकटॉक पर ऊट पटांग वीडियोस बनाते नजर आते हैं, वहीं मोरक्को के क्राउन प्रिंस मोले हसन दुनिया का सबसे महंगा VIP प्राइवेट जेट उड़ा रहे हैं और सिर्फ 19 साल की उम्र के होने के बावजूद मिडिल ईस्ट और यूरोप के शाही खानदानों के शहजादों के बरक्स अय्याशियां करने के बजाय ऐसे काम कर रहे हैं जो कि आपको दंग कर देंगे। मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा होने वाले प्रिंस मोले हसन ऐसा कौन सा काम करते हैं कि सिर्फ 19 साल की उम्र में इन्हें द रिचेस्ट किड इन द वर्ल्ड यानी कि दुनिया का सबसे अमीर बच्चा कहा जाता है। इनके पास मौजूद VIP जेट की मालियत कितनी है? दुनिया की खूबसूरत शहजादियों में शुमार होने वाली इनकी वालिदा प्रिंसेस लाला सलमा के साथ क्या हुआ और वो कहाँ गायब हो चुकी है? प्रिंस मोले हसन की कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं और वो कौन सी ऐसी खास बात है जो कि इनको मराकश का रूलर बनने से रोक भी सकती है? ये सब फैक्ट जानने के लिए टॉक शॉप की आज की वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो अभी इस वीडियो को एक लाइक देकर हमारी हौसला अफजाई जरूर करें। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों, क्राउन प्रिंस ऑफ मोरक्को मोले हसन का पूरा नाम हसन बिन मोहम्मद अल अलोमी है और ये 8 मई 2003 को मोरक्को के शाही पैलेस रॉयल पैलेस रब्त में पैदा हुए थे। इनके वालिद किंग मोहम्मद द सिक्स्थ मोरक्को के इस वक्त रूलर हैं, जबकि इनकी वालिदा प्रिंसेस लाला सलमा एक शहजादी थी और ये अपने वालिदैन की अकलौती औलाद भी हैं। इनकी पैदाइश पे 21 तोपों की सलामी भी दी गई। जबकि क्राउन प्रिंस की पैदाइश पर मराकश के अवाम सड़कों पर निकल आए थे और इस खुशी में शामिल हुए थे। शाही खानदान ने प्रिंस मोले हसन का नाम इनके दादा किंग हसन दोम के नाम पर रखा था और जब ये मराकश के हुक्मरान बनेंगे तो यही शाही टाइटल किंग हसन द थर्ड के नाम से पुकारे भी जाएंगे। प्रिंस मोले हसन अपने हुक्मरान बाप के वाहिद बेटे हैं, जबकि इनकी एक छोटी बहन प्रिंसेस लाला खतीजा भी मौजूद हैं, जो कि 8 फरवरी 2007 को पैदा हुई। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों, प्रिंस मोले हसन 195 एकड़ पर फैले हुए अपने पैलेस दारुल मखजन में रहते हैं और ये इनके 4 महलों में से एक महल है जो कि शाही खानदान की मलकियत में आता है। दारुल मखजन का मतलब है द वेन्यू ऑफ हैप्पीनेस पैलेस, यानी कि वो महल जहाँ पे खुशियाँ ही खुशियाँ हों। और अमरीकी जरीदे फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक इस महल का रोजाना का खर्चा $1,00,000 यानी कि पाकिस्तानी 2,20,00,000 रुपए से भी ज्यादा है, जबकि शाही खानदान की खिदमत पर मामूर मुलाजमीन की तादाद 1100 के लगभग है। इस महल में शाही खानदान के लिए एक अलग से मस्जिद भी बनाई गई है जहां शाही खानदान के लोग नमाज पढ़ते हैं, जबकि बागात के अलावा एक खास लाइब्रेरी भी बनाई गई है जहाँ पर किंग हसन के दादा किंग हसन दोम की बुक कलेक्शन की एक बड़ी तादाद मौजूद है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरत का एक झटका लगेगा कि प्रिंस मोले हसन की वालदा प्रिंसेस लाला सलमा कंप्यूटर साइंसेस की डिग्री भी रखती हैं, जबकि इनके वालिद किंग मोहम्मद लॉ की डिग्री रखते हैं, लेकिन प्रिंस हसन आम बच्चों की तरह कभी भी किसी स्कूल या कॉलेज नहीं गए। यकीनन आपके लिए ये बहुत ही हैरानकुन बात होगी और इस पर यकीन करना भी इंतहाई मुश्किल होगा, लेकिन ये बात 100% दुरुस्त है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि शाही खानदान प्रिंस हसन के लिए स्कूल और कॉलेज को ही महल में उठा लाया। क्यों है ना चौंका देने वाली बात? शाही खानदान के किसी भी बच्चे, चाहे वो शहजादा या शहजादी हो, इनके लिए आम बच्चों की तरह स्कूल या कॉलेज जाना एक मुश्किल काम है और एक सिक्योरिटी रिस्क भी। इसीलिए इन्होंने महल के अंदर ही रॉयल स्कूल और रॉयल कॉलेज की सहूलत पैदा कर दी है, जहाँ काबिल उस्ताद इन शाही बच्चों को जदीद तालीम देते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि क्राउन प्रिंस मोले हसन एक नलायक और बिगड़ा हुआ प्रिंस है तो आप 100% गलत फहमी का शिकार हैं, क्योंकि सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होने वाला ये प्रिंस अरबी जुबान के अलावा स्पेनिश, फ्रेंच और इंग्लिश यानी कि 4 जुबानों में कम्युनिकेशन कर लेता है। इनकी इसी काबिलियत की वजह से ये सिर्फ 11 साल की उम्र में ही 2015 में अपने वालिद के साथ एक आलमी कॉन्फ्रेंस में भी शरीक हुए थे और आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी की। अभी अपने वालिद की बीमारी की वजह से ऑफिशियल टूर्स पर बाकायदा न सिर्फ जाते हैं बल्कि इनकी मौजूदगी को इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से अच्छी खासी कवरेज भी मिलती है। क्लाइमेट चेंज में होने वाले समिट में इन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में शिरकत की और ये इस तरह से दुनिया के सबसे कम उम्र रूलर बने जो कि इस तरह की कॉन्फ्रेंस में पहुंचे थे। और अब इनको मोरक्को के फ्यूचर किंग के तौर पे भी देखा जा रहा है।
फैक्ट नंबर 4, दोस्तों प्रिंस मौले हसन ने 2020 में मोहम्मद द सिक्स्थ पॉलीटेक्निक यूनिवर्सिटी से गवर्नेंस, इकोनॉमिक्स और सोशल साइंसेज की डिग्री हासिल की, लेकिन आम बच्चों की बरक्स इनको हवाओं में उड़ने का बहुत शौक है। इसलिए 19 साल प्रिंस ने बाकायदा एविएशन में दिलचस्पी ली और एरोनॉटिकल टेक्निक्स कॉलेज में इसकी तरबियत भी अब हासिल कर रहे हैं। अब ये बाकायदा जेट भी उड़ाना शुरू कर चुके हैं। वैसे प्रिंस मौले की इस एडवेंचरस तबीयत पर इनके लिए एक लाइक जरूर बनता है। प्रिंस मौले हसन सिर्फ जहाज ही नहीं उड़ाते, बल्कि इनको हॉर्स राइडिंग यानी कि घुड़सवारी का भी बहुत ज्यादा शौक है और इनके अस्तबल में दुनिया के कीमती तरीन घोड़े बहुत ही बड़ी तादाद में मौजूद हैं। और आपको ये बात जानकर ज्यादा हैरत होगी कि ये छोटा सा लड़का सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी ले चुका है और ये गन्स यानी कि बंदूकें चलाने में भी महारत रखता है, ताकि किसी भी गैर यकीनी सूरत हाल में अपनी हिफाजत खुद कर सके। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों प्रिंस मौले हसन ने सिर्फ 16 साल की उम्र में ही जहाज उड़ाना सीख लिया था और जब भी ये किसी इंटरनेशनल इवेंट या कॉन्फ्रेंस में ऑफिशियली जाते हैं तो वहीं इनको बैरूने मुल्क बहुत ज्यादा सफर भी करना पड़ता है और इस मकसद के लिए इन्होंने दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव, सबसे महंगा प्राइवेट VIP जेट गल्फ स्ट्रीम G650 खरीद रखा है। ये जहाज तकरीबन $68 मिलियन यानी कि पाकिस्तानी 1,496 करोड़ रुपए का है और ये जेट 14,000 किलोमीटर तक बगैर रुके उड़ सकता है और इसमें मौजूद दुनिया का जदीद तरीन $21 मिलियन यानी कि 462 पाकिस्तानी करोड़ रुपए का मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसको किसी भी मिसाइल हमले से महफूज रखता है। इस VIP जेट की स्पेशल लाइसेंस प्लेट भी है CNAMH, जिसका मतलब है हिज मैजेस्टी, यानी कि प्रिंस हसन को ऑलरेडी हिज मैजेस्टी मौले हसन का प्रोटोकॉल मिल चुका है जो कि एक मुल्क के हुक्मरान को दिया जाता है। दुनिया के इस महंगे तरीन VIP जेट में 8 पैसेंजर और 4 क्रू मेंबर्स की गुंजाइश है और ये एक लग्जरियस VIP जेट है जिसमें तमाम लवाजमात मौजूद हैं जो किसी भी शाही खानदान को चाहिए होते हैं। वैसे आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि दुनिया के मशहूर फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की मिल्कियत में ये दो जेट आते हैं। अगर आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में डिटेल से वीडियो देखना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों अमरीकी जरीदे फोर्ब्स मैगजीन की एक रिपोर्ट के मुताबिक मोरक्को की रॉयल फैमिली इस वक्त $8 बिलियन यानी कि पाकिस्तानी 1,76,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के असासों की मालिक है, जबकि अकेले क्राउन प्रिंस मौले हसन की अपनी जाती नेटवर्थ $1.5 बिलियन यानी कि पाकिस्तानी 33,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है, जो कि इनको दुनिया का रिचेस्ट टीनेजर यानी कि सबसे अमीर बच्चा बना देती है। लेकिन ये बात इंतहाई हैरान कुन है कि इतनी दौलत और प्रोटोकॉल के बावजूद भी मौले हसन एक डाउन टू अर्थ शख्सियत के मालिक है। मराकश में शाही खानदान के अफराद का हाथ चूमना एक रवायत है, लेकिन प्रिंस हसन को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं और इंटरनेट पर इनकी बहुत सी ऐसी वीडियोस मौजूद है जहां ये हैंड किस को डॉज करते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि इनको हाथ चूमने वाली रवायत बिल्कुल भी पसंद नहीं और ये हमेशा से ही इसे नापसंद करते चले आए हैं, जबकि ये अपने से बड़ों का बहुत एहतराम भी करते हैं जो कि आजकल के टीनएजर्स बहुत ही कम करते नजर आते हैं, और अगर वो शाही खानदान से हों तो फिर तो बिल्कुल ही नामुमकिन सा लगता है। प्रिंस हसन ने फलस्तीन के बच्चों का मराकश में बजाते खुद वेलकम किया था और इनको खास प्रोटोकॉल भी दिया था जो कि मिडिल ईस्ट में कायम एक नाजायज रियासत को बहुत बुरा भी लगा था। ये अपनी वालदा की तरह बहुत से सोशल वेलफेयर के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते नजर आते हैं और पूरे मराकश में इनको बहुत ज्यादा पसंद भी किया जाता है। फैक्ट नंबर 7, तो प्रिंस मौले हसन अपनी अवाम में बहुत मकबूल है और इनके नाम पर एक फुटबॉल स्टेडियम स्टेडे मौले हसन के नाम से मौजूद है जो कि 12,000 सीट्स की कैपेसिटी रखता है और इनको फुटबॉल के कई मुकाबलों में मेहमान खसूसी के तौर पर देखा भी जा चुका है। इसी तरह सर्किट इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल मौले अल हसन के नाम से इनके मुल्क में एक Formula 1 कार रेसिंग का ट्रैक भी मौजूद है। इसके अलावा इनकी विकिपीडिया प्रोफाइल को 1 मिलियन से ज्यादा दफा व्यू किया जा चुका है, जबकि ये अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को भी खुद ही चलाते हैं और इस पर अपनी मुख्तलिफ छोटी वीडियोस या तस्वीर लगाते नजर आते हैं। 274,000 फॉलोअर्स वाले अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ये कोई ऊटपटांग चीजें शेयर नहीं करते बल्कि बहुत ही अच्छी चीजें शेयर करते हैं, जबकि इनकी बरतानिया के शाही खानदान के बागी शहजादे प्रिंस हैरी के साथ मुलाकात की तस्वीरें भी काफी वायरल हो चुकी हैं, जिसमें ये इनको अपने शाही महल में खुद वेलकम कर रहे हैं। लेकिन हैरानकुन तौर पर इनके रिलेशनशिप के बारे में आज तक तो कोई नहीं जान सका कि इनकी कोई गर्लफ्रेंड है भी या नहीं, या ये मुस्तकबिल में किस लड़की से शादी करेंगे। यहाँ आपको ये भी बताते चले कि मोरक्को मुल्क के कानून के मुताबिक कोई भी प्रिंस इस वक्त तक हुक्मरान नहीं बन सकता जब तक कि वो शादी ना कर ले। इसलिए प्रिंस मौले हसन और मराकश के तख्त के दरमियान वाहिद रुकावट अब इनकी शादी है और हो सकता है कि अनकरीब
कभी भी इनकी शादी की खबर भी आ जाए। वैसे आपको क्या लगता है कि ये किसी मोरक्कन लड़की से शादी करेंगे या फिर किसी और दूसरे मुल्क की शहजादी से? कमेंट सेक्शन में हमें अपना जवाब लिख के जरूर शेयर करें। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों प्रिंस मोले हसन को जहां हवाबाजी घोड़सवारी का शौक है, वहीं इनको वकेशन यानी कि छुट्टियों पर जाना भी बहुत पसंद है। 2019 में ये अपनी वालदा प्रिंसेस लाला सलमा और अपनी बहन प्रिंसेस लाला खतीजा के साथ न्यूयॉर्क में नजर आए, जबकि एक ग्रीक आइलैंड पर इन्होंने कुछ दिन भी गुजारे, जहां पर इन्होंने एक मशहूर लग्जरियस यॉट सेरेनिटी को रेंट पर लिया हुआ था, जिसका एक हफ्ते का रेंट $6,00,000 था। और ये रकम यकीन करें हमारे लिए ज्यादा है, लेकिन इनके लिए पीनट से ज्यादा नहीं है। और बहुत ही लोग ये भी कहते हैं कि जहां प्रिंस हसन जेट उड़ाना जानते हैं, वहीं ये यॉट ऑपरेट करना भी जरूर जानते होंगे। लेकिन दोस्तों इस वकेशन की सबसे अहम बात इनकी वालदा प्रिंसेस लाला सलमा की एक लंबे अरसे के बाद मंजरियाम पे आना था, क्योंकि बहुत सी खबरों के मुताबिक इनके वालिद मोरक्को के किंग मोहम्मद से इनकी तलाक हो चुकी है, लेकिन मोरक्कन कोर्ट ने अभी तक इसकी तस्दीक नहीं की। ताहम किंग मोहम्मद के साथ अब इनका नजर आना और गुमनामी की जिंदगी गुजारना बहुत से सवालात को जन्म दे रहा है। प्रिंस हसन भी न्यूयॉर्क और ग्रीस में वेकेशंस गुजारने के बाद अपनी वालदा के साथ दोबारा नजर नहीं आए, जबकि किंग मोहम्मद की बीमारी के दौरान शाही खानदान के सब अफराद का मौजूद होना सिवाय प्रिंसेस लाला सलमा की इस बात को तकवीयत देता है कि दोनों में अलहदगी हो चुकी है, लेकिन इसका ऐलान मुनासिब वक्त पर देखकर किया जाएगा। तहम अपने वालिद की गिरती हुई सेहत की वजह से प्रिंस मोले हसन का हुकूमती मामलों में सामने आना और आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें करना ये साबित कर रहा है कि वो मराकश की हुक्मरानी के लिए तैयार हो चुके हैं। द यंगेस्ट रिचेस्ट क्राउन प्रिंस किसी भी वक्त द यंगेस्ट किंग ऑफ मोरक्को भी बन सकते हैं, और पूरी दुनिया इसे ज़हनी तौर पर तस्लीम भी कर चुकी है। वैसे आपको इस खूबसूरत शहजादे के वाले से कोई ऐसी बात मालूम हो जो हमने आज की वीडियो में नहीं बताई, तो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें शेयर जरूर करें, और मजीद ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस के लिए टॉक शॉक के चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें।